नमस्कार, आप देख रही है नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में सरगर्मी तेज है। बिहार की राजनीति में जो है इस वक्त बड़ा भूचाल आ चुका है और यह भूचाल लाने वाले कोई और नहीं ईडी कार्यकर्ता है। आपको बता दें कि ईडी कार्यकर्ताओं की छापेमारी के बीच में नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं और हालात 2017 जैसे होते जा रहे हैं, जब लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के ऊपर जो है छापेमारी की लकीर खींच दी गई थी और उनका पूरा का पूरा जो है माहौल बिगड़ गया था। जनता के सामने जो है लालू प्रसाद यादव की छवि काफी धूमिल हो गई थी। जनता उन्हें वोट देने से भी नकार रही थी और वो ऐसा दौर था जब तेजस्वी यादव के हाथों से जो है बिहार की सत्ता चली गई थी और वो सीएम बनते बनते रह गए थे। एक बार फिर से इस बार वो डिप्टी सीएम के पद पर है। डिप्टी सीएम के पद पर होने के बाद जो एक तरफ लगातार रेड पर रेड की जा रही है और दूसरी तरफ कई बड़े सबूत जो है उनके खिलाफ खुलकर के सामने आ रहे हैं और उसी बीच में एक और बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है और वो है दिल्ली में उनका जो घर है। दिल्ली में जिस घर में लालू प्रसाद यादव के लाल यानी कि तेजस्वी यादव रहते हैं, वो घर किसी और के नाम रजिस्टर नहीं है, वो उस आरोपी के नाम रजिस्टर है जो यहाँ पर लैंड फॉर जॉब स्कैम से संलिप्त है। यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो है उनका नाम था और उसी आरोपी के नाम पर रजिस्टर्ड घर जो है वो तेजस्वी यादव के रहने का एक आलीशान बंगला है। अब इस बंगले में रहते हुए तेजस्वी यादव को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे ने इस ओर भी इशारा कर दिया है कि यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव के ऊपर 2017 जैसा माहौल बनेगा और जब वो उस समय सत्ता से दूर हो चुके थे, वो शायद इस बार भी सत्ता से बेहद दूर हो जाएंगे। इस बार डिप्टी सीएम के पद पर बैठे हैं लेकिन हो सकता है वो पद भी उनके हाथ से चला जाए। बहरहाल इस बार ये बेहद दिलचस्प होगा देखना कि क्या नीतीश कुमार जो है उनके लिए मजबूती से बैटिंग कर पाएंगे और क्या यहाँ पर जेडीयू कार्यकर्ताओं को लगा करके वो यहाँ पर बीजेपी को आउट करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के लिए भी चैलेंज है कि वो बीजेपी के सामने जो है मुश्किल पैदा करके किसी तरीके से अपनी इस सरकार को बचाए रखे। लेकिन चुनावों से पहले इस सरगर्मी और इस बदली राजनीति का असर आने वाले समय में क्या होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव जिस तरीके से बुरी तरीके से फंस चुके हैं उसको देख करके क्या लगता है 2017 की तरह ही क्या इस बार भी सत्ता उनके हाथ से छूट जाएगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।